हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं जस्ट फ्रेशन अप तो हो चुका हूँ। मम्मी ने चाय एंड ब्रेड दे दी है, ब्रेड भी खा ले, गर्मी हो रही है। और देखो अभी तक कहीं भी पड़ा है सामान सारा, मैंने साफ नहीं करा, डांट पड़ रही है, वो दबा के कल परसों से मैंने नहीं करा। नहीं सी चलाया, मैंने चाय पी रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें ख़त्म करता हूँ और अपना काम धंधे पर शुरू करता हूँ। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं ज़रा आज मंगलवार है तो मैं ज़रा प्रसाद लेने जा रहा था और अभी मैंने हाथ धोए तो भाई साहब पानी पता क्या सड़ रहा, इतना उबला हुआ, इतना उबला हुआ, इतना उबला हुआ, इतना गर्म कि आपको क्या बताऊँ। तो ये प्रसाद लेने जा रहा हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, बट मेरा बाहर से ऐसा खाने का मन नहीं, क्योंकि दिन से बाहर का ही चल रहा है। देखो यार, जैसा भी हो आपको बताऊँगा, बट मेन है जो प्रसाद वो तो ले आता हूँ जाके ज़रा। तो गाइस, नीचे से मैं आ चुका हूँ, एम ए पैटी ले आया था, वो खा ली, मुझे भूख लग रही थी और ये पी रहा हूँ अमूल तड़का लस्सी। ओए होए, मज़ा आया था इसको भी, ये अलग ही मज़ा है। बिल्कुल ठंडे ठंडे बर्फ़ बनी हुई थी, गलत को ना बर्फ़ बन गया, मैंने फ्रीजर में डाल दी, ऐसी होगी कि जो मारूंगा ना खून निकल जाएगा, तो अभी मैं ये पी लेता हूँ पहले। तो गाइस, पूजा मेरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सीरियसली देखो लंबी अपना ए सी चला रखा है, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता बिना ए सी के। मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कौन लोग पूरे दिन ए सी चला के रखते हैं, कमेंट भी लो करके बताना ज़रा। एंड मैं आज मंदिर भी चला गया था अपने एक दोस्त के साथ पूजा करने, मतलब पूजा करने गया, वो जा रहा था, मैंने कहा चल मैं भी चल लेता हूँ। और अभी जस्ट मैंने घर में भी आके पूजा कर ली, प्रसाद चढ़ा दिया है, एंड तो बस अभी जाके थोड़ा और अब काम वाम निपटाते हैं अपना थोड़ा सा। तो गाइस, टाइम हो रहा है 12 एंड मेरा डिनर आ चुका है। डिनर में आज है दाल मखनी एंड नान, तो मैं ये दोनों चीज़ें पहले खा लेता हूँ। और ये देखो एज इट इज़ वहीं का वही है, मैंने साफ नहीं करा, डांट डेली पड़ रही है, कर दूँगा कोई नहीं, तो मैं इसको खा लेता हूँ। और अपना तो गर्मी इतनी है कि एसी ही चलता रहता है, क्या कर सकते। चलो मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, अभी की सनसनी खबर ये है कि हमारे आरजी की लाइट जा चुकी है, आपको यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा, देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, दिख रहा है, जहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखती थी अब वहाँ पे अंधेरा अंधेरा, ऊपर नीचे आगे पीछे, देखो लगता है कुछ पंगा होगा क्योंकि डीजीपी नहीं चल रहा है। आई डोंट नो क्या हो चुका है, लाइट आ नहीं रही, फ़ोन में बैटरी है नहीं, रात कैसे गुजरेगी और कुछ ऐसा पता है नहीं। और गर्मी का आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है आजकल, हवा भी इतनी बेकार चल रही है, लगता है इन लोगों ने बिल नहीं भरा और इनकी वजह से हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो आज की सनसनी खबर ये है कि आरजे की लाइट जा चुकी है, इतनी बड़ी सोसाइटी और अभी तक कोई इंसान बाहर तक नहीं आया, देख रहे हो लोग दूर दूर तक नहीं दिख रहे होंगे आपको, अगर होंगे भी तो कैसे दिखेंगे इतना अंधेरा है। तो बस सोचा आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट खबर। तो गाइस, टाइम हो रहा है रात के 2 एंड लाइट बार बार आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो मैं इसी नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, तो मुझे पता नहीं क्या डीसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, और बार बार अगर एसी ऑन करूँगा तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं एसी नहीं चला रहा, गर्मी में रहा हूँ और अपनी ट्रेनिंग चल रही है तो वो देख रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों से सुबह मिलता हूँ, एंड इसी आज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल नहीं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।